वायदा और मंडियों में सोयाबीन की कीमतें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बनी हुई है। मंडियों और वायदा बाजारों में सोयाबीन की कीमतें 6000 के ऊपर स्थिर बनी हुई हैं। ये सोयाबीन किसानों की ही मेहनत है, जिसकी वजह से उन्हें सोयाबीन के अब जाकर कुछ सही दाम मिलते नजर आ रहे हैं। इससे पहले सोयाबीन किसान को काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। किसानों ने महंगा बीज खरीदकर इसकी बुआई की थी कि सोयाबीन के बढ़िया दाम मिलेंगे, क्योंकि बुआई के समय वायदा बाजार में सोयाबीन 10,000 के पार जाती नजर आई थी। लेकिन फिर सोयाबीन की बुआई के रकबे बढ़ने की खबरें आई और सोया खली का आयात भी हुआ, जिससे सोयाबीन की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। ये गिरावट इतनी रही थी कि किसानों को MSP भी नसीब नहीं हो पा रही थी। इसके बाद किसानों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए, अब और नुकसान नहीं सहेंगे और सोयाबीन का स्टॉक करेंगे। किसानों के सोयाबीन स्टॉक करने से मंडियों में आवकें धीरे धीरे कम होती नजर आईं, जिससे इसके भाव भी सुधरने लगे और वर्तमान में 6000 के ऊपर भाव बने हुए हैं। सोयाबीन की कीमतों को लेकर अब तक किसान परेशान थे, लेकिन अब व्यापारियों और पोल्ट्री मालिकों को ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोयाबीन की आपूर्ति कम हो रही है। किसानों के पास सोयाबीन होने के बावजूद उन्हें बिक्री के लिए नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं एक ये भी कारण है कि बेमौसम बारिश की वजह से किसान सोयाबीन को मंडियों में बिक्री के लिए नहीं ला पा रहे हैं। वहीं अमेरिका में गेहूं और मक्के की कीमतों में तेजी के चलते सोयाबीन को इनके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वहां भी कीमतों में तेजी बनी हुई है। भारत सरकार खाद्य तेलों पर काफ़ी फैसले ले चुकी है और सोया खली का आयात भी कर रही है। ऐसे में बाजार के जानकारों के अनुसार सरकार शायद ही सोयाबीन पर अब कोई फैसला ले, क्योंकि आगे चुनाव भी आ रहे हैं और हाल ही में सरकार ने तीनों कृषि कानून भी वापस ले लिए हैं। लेकिन अगर इसकी कीमतें बेकाबू होती हैं और काबू में नहीं रहती हैं, तो शायद सरकार फिर से सक्रिय हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।